लास्ट क्लास में पढ़ा था हमारे वाटर के पार्ट या हॉलार्ड कैसार्ड रिकार्ड के बारे में, और इसके अलावा सॉइल मॉइस्चर को हमने क्लासिफाई किया था। इसके बाद हमने थोड़ी सी बात की थी कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप इस देख के समझ ही गए होंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, रूट सिस्टम के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है रूट सिस्टम। तो आप सब जानते हैं जो पौधे की जड़ें होती हैं, जो रूट्स होती हैं, वो वाटर को अब्सॉर्ब करने का काम करती हैं। ठीक है, तो अब ये जो रूट सिस्टम है उसको हम क्या करते हैं, या हम रूट के टर्मिनल पार्ट जो रूट पानी का अब्सॉर्ब या वाटर अब्सॉर्प्शन का काम करती है, उसे हम क्या करते हैं, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये है, हमने एक रूट का टर्मिनल पार्ट लिया है और उस टर्मिनल पार्ट को हम चार पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पार्ट और जोन, ठीक है, हमने क्या किया, टर्मिनल पार्ट, रूट का टर्मिनल पार्ट जो वाटर को अब्सॉर्ब करने का काम करता है, उसे हम क्या कर रहे हैं, चार पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये चार पार्ट कौन से, हमारा फर्स्ट है रूट कैप, सेकंड है हमारा मेरिस्टेमेटिक जोन, ठीक है, थर्ड है हमारा इलोंगेशन जोन, फोर्थ है हमारा रूट हेयर का। अब देखिए ये चार है, तो आपने सबने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि जो रूट की सबसे आगे का पार्ट है उसके ऊपर एक टोपी मिलती है जो क्या करती है, उस जो पार्ट है टर्मिनल जो पार्ट है उसकी सेफ्टी का काम करती है। ठीक है, उसे हम कहते हैं रूट कैप, आपने सबने पढ़ा है। तो इसी रूट को, रूट कैप ये वाला पार्ट, आप ये डायग्राम बना लेना, ये जो है हमारा ये वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं रूट कैप। ठीक है, अब देखिए ये रूट कैप क्या करता है, जो टर्मिनल पार्ट होता है मेरिस्टेमेटिक जोन, ठीक है, रूट का वो क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत नाजुक होता है। ठीक है, तो उसको टूटने से बचाने के लिए क्या होता है, रूट के टर्मिनल पार्ट पर एक कैप मिलती है जो उसको हम बोलते हैं रूट कैप। ये क्या करती है, सिर्फ उस टर्मिनल पार्ट की सेफ्टी का काम करती है। ठीक है, तो पहला पार्ट तो हो गया हमारा रूट कैप। ठीक है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर फाउंड ऑन द टर्मिनल पार्ट ऑफ रूट विच सेफ या जो इसकी सेफ्टी का काम करती है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए तो हम मेरिस्टेमेटिक जोन, अब जिस पार्ट की सेफ्टी है रूट कैप कर रहा है वो है हमारा मेरिस्टेमेटिक। अब इसकी क्या सेल होती है, लगातार डिवाइड पे डिवाइड, लगातार डिवीजन करती रहती है, जिससे क्या होती है, जो रूट की जो ग्रोथ है वो लगातार इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, तो ये मेरिस्टेमेटिक जोन है, इसकी सेल्स बहुत छोटी छोटी होती है, इनमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म कम होता है, न्यूक्लियस बड़ा होता है, जिससे क्या होता है ये लगातार डिवाइड होती रहती, डिवीजन करती रहती है, इससे क्या होती है रूट की लेंथ है वो इंक्रीज होती रहती है। उसके जस्ट ऊपर हमारा आता है इलोंगेशन जोन, अब इसकी सेल्स क्या होती है, साइज में लंबी होती है, बड़ी होती है, ये क्या करती है लंबाई में बढ़ती है, ये सेल्स क्या होती है लंबाई में बढ़ती है ऐसे, जिससे क्या होती है जो रूट होती है वो लंबी होती जाती है, इलोंगेटेड होती जाती है। तो ये है हमारा इलोंगेशन जोन। अब यहाँ इलोंगेशन जोन से वैस्कुलर बंडल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जस्ट उस मेरिस्ट एलोंगेशन जोन के जस्ट ऊपर क्या होता है, हमारा रूट हेयर जोन आता है। अब ये रूट हेयर जोन मतलब नाम से पता है इसमें रूट हेयर्स मिलेंगे, तो इसमें क्या होता है रूट हेयर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो
इस जोन की जो वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी वो बहुत हाई होती है, सबसे ज़्यादा वाटर अब्जॉर्प्शन होता है रूट हेयर जोन में, क्योंकि रूट हेयर्स क्या होते हैं, इनकी जो सेल होती सॉरी रूट हेयर की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो परमीएबल टाइप की होती है, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी वाटर और वाटर में घुले हुए सारे मिनरल्स को फास्टली अब्जॉर्ब करती है। तो जो रूट हेयर जोन है वो क्या होता है, उसमें बहुत सारी रूट हेयर मिलते हैं और उन रूट हेयर की जो सेल मेम्ब्रेन है वो परमीएबल टाइप होती है, जो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को क्रॉस होने देती है। तो सबसे ज़्यादा जो फास्ट अब्जॉर्प्शन होता है वो रूट हेयर जोन में होता है। इलोंगेशन जोन क्या करता है, लंबाई में बढ़ने का काम करता है, पर थोड़ा बहुत अब्जॉर्प्शन यहीं भी होता है, ठीक है। और मेरिस्टेमेटिक जोन क्या करता है, लगातार डिवीजन करता रहता है, जिससे क्या होता है सेल डिवीजन के कारण जो रूट की जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। तो ये तो बात हुई हमारे जोन की कि रूट हेयर में कौन कौन से जोन मिलते हैं। अब देखिए यहाँ इलोंगेशन जोन से थोड़ा बहुत वैस्कुलर बंडल स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर देखिए अभी जो रूट हेयर वाटर जो अब्जॉर्ब करेंगे वो ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पर वैस्कुलर बंडल पर, और वैस्कुलर बंडल उसको आगे सप्लाई करते होंगे। ये यहाँ पर मैंने सेल्स नहीं बनाई है, आप लोग बना लीजिएगा। तो ये हमारा जो बीच में दिख रही है वो है हमारा वैस्कुलर बंडल, ये हमारी रूट हेयर्स हैं, ये हमारे जो बड़ी बड़ी सेल्स आ रही हैं वो है हमारे इलोंगेशन जोन की सेल्स, जो लंबाई में बढ़ती है और रूट की लेंथ या इंक्रीज करने का काम करती है। मेरिस्टेमेटिक जोन जो यहाँ नीचे छोटी छोटी सेल्स दिख रही हैं वो हमारा मेरिस्टेमेटिक जोन की सेल्स है, बड़ी फास्टली डिवीजन करती है, न्यूक्लियस पूरा बड़ा टाइम का होता है, ठीक है। और रूट क्या क्या करता है, इस मेरिस्टेमेटिक जोन की सेफ्टी का काम करता है। तो ये तो बात हुई हमारे रूट सिस्टम की, ठीक है। अब हम आगे बात करें कि जो प्लांट्स है वो रूट के द्वारा जो वाटर को अवशोषित करते हैं अब्जॉर्व करते हैं वो एक्चुअली होता कैसे है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए जो रूट्स के द्वारा है पानी को अब्जॉर्व तो कर लिया जाता है, लेकिन उसकी भी तो कोई ना कोई मैकेनिज्म होगी ही ना। तो अब हम उस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। हमने चैप्टर शुरू किया था तब से हम बता रहे हैं कि जो वाटर है अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है, इसकी बात हम शुरुआत से करते आ रहे हैं। तो सेम वही बात यहाँ पर भी है कि वाटर है अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ इस मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो देखिए वाटर हमेशा अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है, ठीक है। अब ये जो फ्लो है ये किस पर, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर पे डिपेंड करता है, डीपीडी पे डिपेंड करता है, ठीक है। कंसंट्रेशन पर तो कैसे कि अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा। ओपी मतलब हमने पहले पढ़ा था कि वाटर है अपनी लो ओपी से हाई ओपी की ओर मूव करेगा, ठीक है। और डीपीडी भी सेम है, जब डीपीडी माने क्या होता है, पानी की जरूरत, ठीक है, डीपीडी होती है पानी की जरूरत। अब देखिए सॉरी ओपी में भी वाटर अपनी हाई कंस से लो की ओर मूव करेगा। अब देखिए डीपीडी का मतलब होता है पानी की जरूरत, मतलब जिस सेल में पानी की जरूरत ज्यादा होगी मतलब उसमें वाटर आएगा। तो वाटर क्या होता है, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी मूव करता है, ठीक है। ये तो हो गया कि वाटर का फ्लो है या वाटर की जो मूवमेंट है वो किस तरफ से होगी। अब देखिए जो वाटर का जो फ्लो होता है वो दो टाइप से होता है, जो अवशोषण होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो एक्टिव टाइप का, एक पैसिव टाइप का।
वो क्या होता है ओपीडी और डीपीडी पे डिपेंड करता है, जबकि पेसिव टाइप का जो होता है वो क्या करता है ट्रांसपायरेशन की रेट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हम इसको लेके चलते हैं एक्टिव टाइप के वाटर अवशोषण। अब देखिए अगर इस टाइप के हम अवशोषण की बात करें तो ये डिपेंड है वो ओपी और डीपीडी की बात पर डिपेंड करेगा, और वो जो वाटर का फ्लो होगा वो होगा डीपीडी के लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ होगा। तो इसमें वाटर फ्लो होगा वो होगा लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। दो बात तो क्लियर हो गई इसमें कि एक तो जो एक्टिव टाइप का जो वाटर अब्जॉर्प्शन है वो डिपेंड करेगा डीपीडी और ओपी पर, वाटर का जो फ्लो होगा वो होगा हाई डीपीडी टू लो डीपीडी। इसके अलावा तीसरी बात एक होगी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इन तीन बातों पर ये क्या होगा डिपेंड करेगा। ठीक है, एक तो क्या है डिपेंड ऑन डीपीडी और ओपी, सेकंड क्या वाटर का फ्लो होगा लो डीपीडी टू हाई डीपीडी होगा। डीपीडी मतलब क्या होता है पानी की जरूरत, तो जिस सेल में पानी की जरूरत होगी उस सेल की ओर करेगा। ठीक है, और तीसरी क्या है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करेगा। अब देखिए अब एक्टिव टाइप के वाटर अब्जॉर्प्शन में सॉइल से रूट हेयर टू, देखिए सॉइल में पानी बहुत ज़्यादा होता है, रूट हेयर में इससे कम होता है, तो वाटर क्या करेगा सॉइल से निकलकर रूट हेयर में एंटर करेगा। ठीक है, अब रूट हेयर से क्या होगा वाटर आगे सेल्स के अंदर एंटर करेगा, तो आगे सेल में एंटर करेगा या हम कहें कि ये डायरेक्ट वेस्कुलर बंडल में चला जाएगा। तो सॉइल से रूट हेयर सेल ऑफ कॉर्टेक्स, क्योंकि आप जानते हैं आपने देखा सब ये एपिडर्मिस आती है, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स आता है, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस आती है, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल आता है। यहाँ पर ये एपिडर्मिस कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल और उसके बाद क्या होता है वैस्कुलर बंडल आते हैं। तो हम इसको इसी हिसाब से लिखेंगे सॉइल से वॉटर किया रूट हेयर में एंटर, रूट हेयर से सेल ऑफ कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स की बात की एंटर करेगा पेरिसाइकिल से वेस्कुलर बंडल। ठीक है, अब वेस्कुलर बंडल क्या करेगा इसको ऊपर की ओर कैपिलरी एक्शन शो करते हुए, मतलब ये जाइलम में जाएगा, जाइलम से जाएगा लीफ में। ठीक है, अब देखिए वाटर का फ्लो देखें तो सॉइल में पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या होता है पानी की ज़रूरत होती है, डीपीडी होती वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो क्या होता है सॉइल से वाटर मॉलिक्यूल्स का फ्लो होगा रूट हेयर की तरफ। ठीक है, अब रूट हेयर में पानी आ गया है तो मतलब रूट हेयर की भी डीपीडी कम हो गई है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए डीपीडी होती है पानी की ज़रूरत। ठीक है, जब पानी कम होता है सेल में वाटर की कंसनट्रेशन कम होती है तो डीपीडी होती है हाई होती है, और जैसे ही वाटर की कंसंट्रेशन है वो पूरी हो जाती है तो डीपीडी अपने आप लो हो जाती है। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इंक्रीज होगी तो डीपीडी लो हो जाएगी, क्योंकि पानी की जरूरत है, वाटर की जो आवश्यकता है वो भी कम हो जाएगी, और जैसे पानी की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी पानी की जरूरत कम होगी तो क्या होगा डीपीडी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सॉइल में पानी को
पूरा होता है, ठीक है, वाटर कंसेंट्रेशन होती है, इनफ होती है, तो क्या आगा, इसकी डीपीटी लो है, रूट हेयर की डीपीटी हाई है, तो वाटर क्या करेगा, फ्लो करके रूट हेयर में आ जाएगा। अब रूट हेयर में जब वाटर आ गया है तो इसकी डीपीटी ऑटोमेटिकली क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज होने के कारण क्या होगा, वाटर रूट हेयर से निकलकर सेल ऑफ या कॉर्टेक्स की सेल में चला जाएगा, कॉर्टेक्स की सेल में जाएगा तो इसकी डिपिटी भी अपने आप डाउन हो जाएगी। और उसके बाद जैसे जैसे ये आगे फ्लो करेगा, वाटर जैसे जैसे आगे फ्लो करेगा वैसे वैसे डिपिटी कम होती जाएगी और सेल अगली सेल या अगले स्टेप में या अगले पार्ट में एंटर करता जाएगा और डिपिटी, ठीक है, डिपिटी डिक्रीज होती जाएगी। ऐसे सेल है ये, वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है एक्टिव टाइप पर जो कि डिपेंड करता है डीपीटी पर। अभी फिर वापस रिपीट कर रहे हैं, जो एक्टिव वाटर का अवशोषण होता है, वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है, डिपेंड करता है, उसको हम कहते हैं दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो एक्टिव टाइप का और एक हमारा पैसिव टाइप का, ठीक है। अब एक्टिव टाइप का जो वाटर अब्जॉर्प्शन है वो डिपेंड करता है ओपी और डीपीटी पर, ठीक है। अब देखिए सेकेंड पॉइंट है कि वाटर का फ्लो होगा लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है। अब देखिए डीपीडी जब वाटर की कंसेंट्रेशन हाई होती है तो डीपीडी लो होता है, और जब वाटर की कंसेंट्रेशन लो होती है तो डीपीडी ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। तो वहीं देखिए सॉइल में वाटर इनफ है, पानी की मात्रा अच्छी खासी है, तो क्या होगा, यहाँ पर सॉइल की डीपीडी कम है तो क्या होगा, वाटर का फ्लो होगा रूट हेयर की तरफ, ठीक है। रूट हेयर में वाटर आने की वजह से इसकी डीपीडी ऑटोमेटिकली लो हो जाएगी, तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा या वाटर का फ्लो होगा कॉर्टेक्स की सेल की तरफ। जब ये कॉर्टेक्स की सेल की तरफ जाएगा तो क्या होगा, आगे पेरिसाइटिस की ओर मूव करेगा, उसके बाद वैस्कुलर बंडल में, वैस्कुलर बंडल से जाइलम और लीफ तक पहुंचेगा इस सेल, ठीक है। ये तो बात हो गई डीपीडी की। अब हमने ऊपर लिखा है कि डिपेंड्स ऑन ओपी आल्सो, तो ओपी की बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम शुरुआत से कहते आ रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर जब किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा होते हैं तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, और जब सॉल्यूट कम होते हैं तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर लो होता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, हाई टू हाई ओपी टू लो ओपी वाटर मूव करेगा, ठीक है, जस्ट डीपीडी का उल्टा। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर को हम सीधे सीधे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन से देखते हैं। जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और जब सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन लो होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी लो हो जाएगा। तो वाटर का फ्लो हमने देखा ऊपर, हाँ, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी हो रहा है, ठीक है। और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर के हिसाब से देखें तो हाई ओपी टू लो ओपी हो रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा एक्टिव टाइप। सेकेंड टाइप के जो अवशोषण की बात करें, पैसिव टाइप के, तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ट्रांसपायरेशन रेट पर डिपेंड करता है, ठीक है। जब ट्रांसपायरेशन रेट इंक्रीज होती है तो इस टाइप का वाटर का जो अवशोषण है वो भी इंक्रीज होता है, और जब लो होती है तो इस टाइप के वाटर का जो अवशोषण है वो भी अपने आप कम हो जाता है। तो देखिए ट्रांसपायरेशन या वाष्पोच्छेदन में क्या होता है, सेल स्टोमेटा के थ्रू वाटर को एनवायरनमेंट में रिलीज किया जाता है, करेक्ट। तो अब देखिए जब किसी सेल से स्टोमेटा या लीफ की सेल से वाटर को क्या है
बाहर की ओर निकाला जा रहा है, एनवायरनमेंट में रिलीज किया जा रहा है, तो उस सेल में क्या होगा, वाटर की कंसंट्रेशन होगी वो लो हो जाएगी, करेक्ट। अब वाटर की कंसंट्रेशन लो होने के कारण क्या होती है, सेल्स अपने आप चिपकने लग जाती है, ठीक है। अब सेल्स चिपकने के कारण क्या होता है, वहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन कम है और जो हमारे रूट सेल्स हैं उनमें हमारी वाटर की कंसंट्रेशन हाई है ना, बस यही है इसको, या इसका हम पेसिव टाइप के अब्सॉर्प्शन की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट तो ये कि ये डिपेंड्स ऑन ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन इंक्रीज होगा तो इस टाइप का इंक्रीज हो जाएगा अब्सॉर्प्शन, और ट्रांसपायरेशन डिक्रीज होगा तो ये भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। इसका सबसे बड़ी फंडामेंटल बात यही है कि ये ट्रांसपायरेशन रेट पर डिपेंड करती है। जब अवशोषण या वाष्पोषण बढ़ता है तो क्या होती है, प्लांट में, प्लांट लीफ में क्या होती है, पानी की कमी हो जाती है, और यही पानी की कमी क्या आती है, एक प्रेशर डेवलप करती है रूट हेयर्स में, रूट हेयर में उस प्रेशर के कारण क्या होता है, वाटर आने लगता है, सॉरी वाटर का अवशोषण होने लगता है। क्या होता है, जब ट्रांसपायरेशन इंक्रीज होता है तो लीफ में, लीफ सेल्स में पानी की कमी हो जाती है, लेक ऑफ वाटर हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, लीफ सेल्स में पानी की कमी होने के कारण वो रूट हेयर सेल्स में प्रेशर डेवलप करती है, उस प्रेशर डेवलप होने के कारण क्या होता है, रूट हेयर्स के द्वारा क्या होता है, पानी का अवशोषण किया जाता है, ठीक है। और हम जो प्रेशर की बात कर रहे हैं, जिस प्रेशर की हम बात कर रहे हैं वो प्रेशर भी डीपीडी ही है, ठीक है, जो प्रेशर डेवलप होता है वो डीपीडी होता है, क्योंकि जब लीफ सेल्स में पानी की कमी होगी तो क्या होगा, पानी की कमी यानी पानी की प्यास बढ़ जाएगी, तो क्या डीपीडी इंक्रीज हो जाएगा, डीपीडी इंक्रीज हो जाएगा तो क्या है, रूट हेयर से वो अपने आप पानी का अवशोषण करने लग जाएंगे तेज से। और 98% ऑफ टोटल अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बेसिक टाइप का ही होता है। हाँ देखिए, हमने बात की बेसिक टाइप के अब्सॉर्प्शन की, तो हमने बताया ट्रांसपायरेशन इंक्रीज होगा तो ये टाइप का वाटर का अब्सॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। उसके बाद हमने बताया कि 98% इसी टाइप से होता है वाटर का अवशोषण। अब देखिए, हमने बात की जब ट्रांसपायरेशन इंक्रीज होता है तो लीफ सेल्स में क्या होता है, वाटर की लेक हो जाती है, वाटर की कमी हो जाती है, जिससे क्या होते हैं वो हमारी रूट हेयर, रूट सेल्स में एक प्रेशर डेवलप करती है, उस प्रेशर को हमने क्या नाम दिया था, डीपीडी, सेम वही है, डीपीडी एक प्रेशर बनाती है जिसके कारण क्या होता है, रूट हेयर से वो वाटर का वाटर को अब्सॉर्ब करती है। अब देखिए, ये हमने देखिए यहाँ ये सॉइल है, ये वाटर इसका देखिए सॉइल क्या हो, रूट हेयर से एंटर किया, उसके बाद एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल से होते हुए क्या करा, ये जाइलम में एंटर कर दिया। अब जाइलम के बाद ये लीफ में पहुंचेगा, तो अब ये तो था दो टाइप के वाटर का अब्सॉर्प्शन होता है, दो टाइप के वाटर का अब्सॉर्प्शन मैकेनिज्म हो गया। लेकिन अब जो हम बात करते हैं पाथवे ऑफ वाटर, यानी वाटर का जो अब्सॉर्प्शन तो हो गया, लेकिन अब वाटर ये जो जाइलम तक जा रहा है इसके लिए उसने कौन सा पाथ या कौन सा रास्ता अपनाया, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो वाटर का जो पाथवे है ये तीन टाइप का होता है, या हम कहें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन रूट, ये होता है तीन टाइप का।
डाइजेशन हो गया, वाटर का अवशोषण हो गया, ठीक है। अब ये जाइलम तक जाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाता है, हम उसके बारे में बात करें। ट्रांसपोर्टेशन या पाथवे ऑफ वाटर इन रूट। अब देखिए तीन टाइप का होता है, तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। एपोप्लास्ट, ये हमारा पहला है। दूसरा है सिंप्लास्ट, पाथवे है। ये क्या है, वाटर वाटर क्या है, ये तीन पाथवे, इन तीन ट्रांसपोर्ट के द्वारा वाटर का अवशोषण होता है, ठीक है। अब देखिए इन तीन पाथवे की बात करें तो एपोप्लास्ट मतलब सेल वॉल टू सेल वॉल ट्रांसपोर्टेशन, सेल वॉल टू सेल वॉल टाइप का, ठीक है। ये मान लीजिए ये सेल है, ये हो गई, ठीक है। ये बाहर वाली क्या है, सेल वॉल, और ये है अंदर की सेल, ठीक है। अब इस टाइप में क्या होगा, जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है वो वॉल टू वॉल होगा, ये वॉल टू वॉल होगा, ठीक है। दूसरा टाइप है सिंप्लास्ट, इसमें होगा साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो पाथ है, वो साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म होगा। और तीसरा वाला हम लेके चले तो चलिए दूसरा मान लेते, कोई बात नहीं, इसमें ये लो, ठीक है। अब इस वाले देख, इस वाले डायग्राम में क्या है, ये तो है सेल, इसके अंदर एक और उठा लेते, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, ये है सेल वॉल, ये सेल साइटोप्लाज्म है यानी सेल, और ये तीसरे वाला गोला है ना, ये वैक्यूल्स है, ये क्या है, वैक्यूल्स है। अब तीसरे टाइप वाले वैक्यूप्लास्ट में ट्रांसपोर्टेशन होगा वैक्यूल टू वैक्यूल, ठीक है। क्या है, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के तीन पाथवे हैं, तीन ट्रांसपोर्ट वे है। फर्स्ट एपोप्लास्ट, सेकंड सिंप्लास्ट, और तीसरा वैक्यूप्लास्ट। एपोप्लास्ट में क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन सेल वॉल टू सेल वॉल होता है, सेल वॉल टू सेल वॉल होता है। सेकंड है सिंप्लास्ट में, जो ट्रांसपोर्टेशन का साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म होता है, और थर्ड में वैक्यूल टू वैक्यूल होता है, एक वैक्यूल दूसरी वैक्यूल में ट्रांसफर करेगी, इस टाइप का। तो ये है हमारा, हमने आज रूट का जोन पढ़ लिए हैं कि कौन कौन से जोन होते हैं रूट में, उसके बाद हमने ट्रांसपोर्टेशन के टाइप पढ़ लिए हैं, सॉरी अब्सॉर्प्शन के टाइप पढ़ लिए हैं, एक एक्टिव टाइप का, दूसरा पैसिव टाइप का, और तीसरा हमने देखा है ट्रांसपोर्ट पाथवे, एपोप्लास्ट सिंप्लास्ट और वैक्यूप्लास्ट, तीन टाइप के। तो आज हम यही ख़त्म करते हैं।